नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद औरैया थाना शहायल अंतर्गत डीसीएम और ऑटो की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर, 8 लोगों की मौके पर हुई मौत, 3 गंभीर घायल, मरने वालों में 5 शिक्षक शामिल। औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट। ताजा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। आधा घंटा मान लो 30 मिनट टाइम कितना हो, ये अभी हुआ होगा 8 बजे। अच्छा, कैसे हुआ? अच्छा, बेला की ओर टेम्पो जा रहा था, वहाँ से बेला से ये डीसीएम आ रही थी। लगभग कितने लोग थे इसमें? 3-4 लोग और गए। अच्छा अच्छा, 7 लोग अभी, 7 लोग मतलब खत्म। अच्छा, 7 लोग खत्म हो गए तुरंत ही आ गई। अभी भी वो निकाली जा रही है, दबी है उसमें, मिट्टी रखी है और बाकी मिट्टी उसमें दबी हुई है। अच्छा अच्छा, पब्लिक के कुछ लोग बैठे जा रहे थे, जैसा बताया गया कि एक बोलेरो को ओवरटेक करने के चक्कर में सामने ट्रक से टक्कर, 8 लोगों की कैजुअलिटी हुई है, 1 सीरियस उसको रेफर करा गया था। 5 टीचर थे, 1 मजदूर था, 1 उसमें ऑटो का ड्राइवर था, 1 और। सर, सुबह कितने बजे निकलना है? सुबह ये 1 घंटे पहले की जैसे सूचना मिली, हम आ गए और पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। अच्छा, ग्रामीणों की तरफ से आक्रोशित होकर जाम किया गया, क्या उनके लिए कुछ उपाय किए? उनका यही कि मेनली जो लोग बिल्कुल ही, एक तो मजदूर था इस तरह से, इनका ये कि रोज कमाने की स्थिति थी, उसके लिए हमने SDM साहब रिपोर्ट बना के उसमें जो भी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है उसके अंदर लाभ दिलाया जाएगा। जो लोग जिनकी डेथ हुई, कौन लोग थे, क्या करते थे? 5 लोग तो टीचर थे, 1 मजदूर था, 1 तो ड्राइवर ही था, 1 दूसरा ऐसे ही जनरल पब्लिक का था, मतलब वो भी उसका प्राइवेट ही टाइप था। उसको जिसको भी नियम अंतर्गत हम सुविधा दे सकते हैं, मतलब उसको पूरा कराया जाएगा। अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि सबका पोस्टमार्टम हो जाए, ताकि जो भी क्लेम लीगल जिसका भी जहाँ से बनना होता है वो बन जाए, पोस्टमार्टम जल्दी हो जाए, उसके बाद फिर हम आज का दिन में जो भी मदद दे सकते हैं। सर, जैसा कि पता चल रहा है कि अभी कुछ लोगों की दबे होने की आशंका है, तो यहाँ पे अभी ट्रेन से टारगेट देख रहे हैं, तो दो आदमी घायल हैं सर, अभी दिखवाते हैं और कहना कुछ दिखवाते हैं। 13 लोग बताए, 13 लोग घूम गए।